अब हम चलते हैं बेस एसिड कैटालिस्ट की तरफ से। अभी हमने आपको बेस कैटालिस्ट करवाया था, अब हम मैकेनिज्म के अंदर एसिड कैटालाइज देखेंगे, रिएक्शन देखते हैं। एसिड कैटालाइज रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, तो इसमें स्टेप नंबर वन को अगर हम देखें तो स्टेप नंबर वन के अंदर क्या काम होगा, ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है इसका ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर सबसे पहले क्या काम करेगा, प्रोटॉन कैप्चर करेगा किससे, एसिड से। तो इसने क्या किया, प्रोटॉन कैप्चर किया और ये ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हो गया। सही, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन। अब क्या होगा स्टेप नंबर टू के अंदर, स्टेप टू के अंदर होगा ये जो हमारे पे ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हुआ है तो इसके कार्बन पर वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे पता है हाइड्रेशन हो रही है तो वाटर का मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस ऑक्सोनियम आयन को स्टेबल फॉर्म में ले आएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर अल्कोहल हो जाएगा और ये पूरा वाटर का मॉलिक्यूल आके जब ऐड होगा तो इसका जो पॉजिटिव ऑक्सीजन होगा वो भी हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप जो है स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री के अंदर क्या काम होगा, ये जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल जब ऐड हुआ था तो इसका जो ऑक्सीजन था ये पॉजिटिव आयन था तो इसको स्टेबल करने के लिए ये जो शुरू में वो फर्स्ट स्टेप में हमारा जब ऐसे हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट किया था उसमें जो वाटर फॉर्म हुआ था वो क्या काम करेगा, उसका जो ऑक्सीजन है वो जाके वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन कैप्चर करेगा और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, डाईओल प्रोडक्ट फॉर्म होगी। अब हम इसका ट्रांजिशन कंडीशन पे देखते हैं कि ट्रांजिशन कंडीशन के अंदर क्या काम हो रहा है। यानी इसके जो ट्रांजिशन स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या काम हुआ था, मैं जो फॉर्म हुआ था ट्रांजिशन स्टेट में ऑक्सोनियम आयन जो फॉर्म हुआ है वो किस तरह हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है, ये हमारे पास क्या है ऑक्सोनियम आयन और ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बो कैटाइन करैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन हो गया। एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट रिएक्शन मैंने दोनों आप लोगों को करवा दी हैं तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी हाजिर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।